घंटा लगातार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और बेबाकी के साथ तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू सड़क पर दौड़ते हुए पीएम आवास पहुंचे। दरअसल शपथ ग्रहण से पहले रवनीत बिट्टू का को पीएमओ से फोन आया था और इसके बाद उन्हें आपको बता दें कि पीएम की चाय पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन रवनीत बिट्टू की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। इसके बाद वो गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए पीएम आवास पहुंचे। रवनीत बिट्टू लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। लुधियाना से चुनाव भी लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए। तो सड़क पर मंत्री पद की दौड़, पीएम आवास पहुंचे, ट्रैफिक में गाड़ी वहां पर उनकी फंस गई थी, गाड़ी छोड़कर दौड़ते हुए पीएम आवास पहुंचे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर मंत्री पद की दौड़ आप देखिए किस तरीके से रवनीत बिट्टू पीएम आवास दौड़कर पहुंचे हैं, वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने चाय पे चर्चा की तो उस दौरान रवनीत बिट्टू वहां पर मौजूद, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम आवास दौड़कर पहुंचे, ट्रैफिक वहां पर चल रहा है और उस बीच में रवनीत बिट्टू वहां पर दौड़कर आते हुए, आप पहली तस्वीर को देखिए मंत्री पद की दौड़ किस तरीके से, वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, रवनीत बिट्टू वहां से दौड़ लगा रहे हैं रोड क्रॉस करते हुए और उसके बाद वो प्रधानमंत्री आवास में दाखिल होते हैं और वहां पर चाय पर चर्चा में शामिल होते हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पीएम आवास पहुंचे, ट्रैफिक में उनकी गाड़ी फंस गई थी, इसके चलते उनको वहां पर दिक्कत हुई और इसके बाद उनको गाड़ी से उतरकर पैदल ही दौड़ लगानी पड़ी, ट्रैफिक में उनकी गाड़ी वहां पर फंस गई थी।